अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच खेला जाना है। देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद और दुआएं टीम इंडिया के साथ हैं ताकि टीम इंडिया आज पूरी दुनिया का सिरमौर बन जाए। दुआ की इस कड़ी में मैं बुलंदशहर के एक मदरसे में हूँ। यहाँ पर आज जो भारत के लिए, भारत की जीत के लिए दुआ कराई गई है, तमाम तालिबे इल्म हैं और उनके उस्ताद हैं यहाँ पर जिन्होंने ये दुआ कराई है। जानते हैं कि दुआ में उन्होंने किस तरह की भारत के लिए दुआ की है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है। जो हमारे मदरसे में जो है मुस्तकिल दुआ होती है और इन्होंने जो है आज दुआ के लिए कहा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जो हम दुआ करें, इसलिए उन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है। हमने जो है जैसे ही इन्होंने दुआ के लिए कहा है कि भाई भारत का जहाँ का मैच है जो, इसलिए हमने आज इनके लिए भी दुआ की है। जिस तरह हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं, ऐसे ही इनके लिए भी दुआ की है। अच्छा, तो आज भारत जीते? जी बिल्कुल, जीतना चाहिए भारत। किस तरह की दुआ की है? बस जैसा होता है ऐसे ही करते हैं दुआ। तो बाकी ये है कि करना ना करना तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। बाकी हम पर जितना होगा इतना कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। भारत जीतना चाहिए? जी बिल्कुल जीतना चाहिए। तो आपका क्या मानना है? बताइए बताइए। जीतना चाहिए भारत। दुआ कराई गई? हाँ दुआ कराई गई है। तो दुआ में लगभग कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है? 60-70 बच्चे हमारे। कुरान शरीफ पढ़ाई? सूरह यासीन शरीफ पढ़वाई गई। तो भारत जीतना चाहिए? तो साफ़ तौर पे ये जो मदरसे के उस्ताद हैं वो लोग हैं और पीछे जो तालिब इल्म हैं वो हैं। इन्होंने करीब काफ़ी देर तक आज भारत की जीत के लिए दुआ की है और 2 बजे ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा। कड़ा मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला है। तो देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद और दुआओं के साथ आज टीम इंडिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेगी और जीत का परचम फहराएगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।